भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हीरो हैं, जिन्हें पूरा पूर्वांचल पसंद करता है और अपने चहेते स्टार्स के लिए हमेशा कुछ भी कर गुजरने की चाह रखने वाले ये फैंस को सलाम। लेकिन बात ये भी झुटलाई नहीं जा सकती कि जितना जरूरी हीरो होता है उतना ही जरूरी फिल्म में एक विलन का रोल भी है। जी हाँ, भोजपुरी फिल्मों में सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि विलन को भी दर्शक उतना ही पसंद करते हैं जितना एक हीरो को। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भोजपुरी के तीन सबसे बड़े और सबसे खूंखार विलन्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मनोज टाइगर की। तो चलिए बात करते हैं मनोज टाइगर के फिल्मी जमाने की। भोजपुरी फिल्मों के जाने माने कॉमेडियन और विलन मनोज टाइगर भोजपुरी के जाने माने चेहरे हैं और टॉप के तीन विलन के लिस्ट में सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां विलन्स की बात हो रही हो और मनोज टाइगर के साथ संजय पांडे का नाम ना हो। जी हाँ, अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे भोजपुरी के सबसे शानदार विलन संजय पांडे की। तो उनका करियर काफ़ी मुशक्कत और स्ट्रगल भरा रहा, लेकिन फिर भी अपने संघर्ष के कारण आज वो भोजपुरी सिनेमा के टॉप विलन लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि संजय पांडे ने अपना भोजपुरी फिल्मों का सफर फिल्म कहिया डोली लेके आईवा से साल 2001 में की थी। मनोज टाइगर और संजय पांडे के बाद अब हम बात करेंगे अनूप अरोड़ा की। विलन्स की लिस्ट में अब अगला नाम है अनूप अरोड़ा का। वैसे तो अनूप अरोड़ा इन सभी विलन से सीनियर हैं। आपको बता दें कि उन्होंने वाराणसी से थिएटर करना शुरू किया, फिर उन्हें नाना पाटेकर की फिल्म आज से अच्छा रोल ऑफर हुआ जो बनी उनके करियर की सबसे पहली हिंदी फिल्म। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना सबसे पहला काम साल 1997 में किया था। पूर्वांचल लाइव की रिपोर्ट।